दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CTET एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन जो है इस टाइप से पूछा जाता है, एक सर्कस टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर शंकु का आकार है। अगर आधार का व्यास 140 मीटर और तिरछी ऊंचाई शंकु की 80 मीटर है, एक 2 मीटर चौड़ा कपड़ा जिससे टेंट बनाया जाएगा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा CTET में पूछा जाता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बोला गया था कि एक सर्कस टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। तो हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बोला है कि 3 मीटर ऊंचाई तक जो है वो बेलनाकार, मतलब कि सिलेंडर है, तो ये 3 मीटर तो इसकी ऊंचाई हो गई। और उसके ऊपर एक शंकु का आकार है, इसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। और इसमें बोला है कि इसका जो डायमीटर है, तो कोन और सिलेंडर दोनों का डायमीटर तो 140 ही रहेगा, 140 मीटर। और बोला है शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई होती है इसकी स्लैंट हाइट, जिसको हम एल बोलते हैं, वो दे रखा है हमारे पास 80 मीटर, ठीक है। ये पूरा एक कपड़े से बनाया गया है। अब बोला गया है कि अगर एक कपड़ा जो है जिसकी चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, तो बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी जिससे ये पूरा टेंट बनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका पूरे जो टेंट है इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो जो सर्कस टेंट का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, पहले हमें कोन का लगाना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, प्लस करना पड़ेगा उसमें सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ये जो कपड़ा था हमारा उसके एरिया के इक्वल। तो इसकी लेंथ दे रखी है हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर, तो लेंथ हमने मान लिया एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स इसके इक्वल होगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर तो हमारा दे रखा है 140, डायमीटर कितना है 140, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 70 मीटर, और हाइट हो जाएगी हमारी कोन की और सिलेंडर की 3 मीटर, और स्लैंट हाइट हो जाएगी हमारी कोन की 80 मीटर। तो इसको इसके फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो इसमें जो हमारे पास है फॉर्मूला था पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू एक्स के रखना है। अब इसमें कॉमन हमारा पाई आर आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस 2 एच इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब वैल्यू पुट करते, पाई हमारा होता है 22/7, आर हमारे पास 70 है, और ब्रैकेट में एल, एल कितना है हमारे पास लेंथ हाइट 80, और प्लस 2 इंटू एच 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 7 से काटा इसे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 220 इंटू, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2, 3 से 6 और ये करा तो 86 हो गया इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू निकालने, तो ये 2 यहाँ का डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा x जो होगा वो हो गया 220 इंटू 86 अपॉन में 2, 2 से कैंसिल किया तो ये आएगा 43, तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा 220 इंटू 43। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका, 220 को 43 से मल्टीप्लाई किया 066088, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 9460 मीटर, तो उसके कपड़े की लेंथ होगी ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 9460 मीटर। तो ये था एक मैथ्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CTET एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।